आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं, ये एक साइफाई थ्रिलर है जिसका नाम है ऑक्सीजन। आइए फिल्म की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक औरत अचानक से अपने स्लीपिंग पॉड में जाग जाती है। वो अपनी बाजुओं में लगी हुई मेडिकल ट्यूब्स को निकाल देती है। एक कंप्यूटर उसे बताने लगता है कि उसकी ऑक्सीजन लेवल 35% है। उस कंप्यूटर का नाम मिलो होता है, जिसका फुल फॉर्म था मेडिकल इंटरफेस लेजन ऑपरेटर था। मिलो का काम उस औरत के सभी मेडिकल सवालों का जवाब देना था। वो औरत मिलो को पूछती है कि वो कहाँ है। मिलो उसे बताता है और उसे नींद की दवाई लेने का सजेशन देता है, पर वो औरत नहीं मानती। वो औरत मिलो को बोलती है कि उसे पॉड से बाहर निकाल दिया जाए, पर ये काम मिलो नहीं कर सकता था। मिलो बताता है कि उसके पॉड में एक खराबी हुई थी, जिसके कारण प्रोसेसर बहुत गर्म हो गया था और इसी की वजह से ऑक्सीजन कम हो रहा है। अचानक उसे अपने पास्ट की बातें याद आती हैं और उसे लगता है कि जैसे वो पास्ट में ही है। पॉड के अंदर वो औरत जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है ताकि बाहर उसकी कोई आवाज सुन ले और उसे उसमें से निकाल दे। मिलो उसे बोलता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल और कम हो गया है और अब वो 34% है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ से कैसे निकले। वो सोचने लगती है कि आखिर वो इस पॉड में आई कैसे। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो सोचती है कि शायद वो बीमार होगी और डॉक्टर्स ने उसे पॉड में डाल दिया होगा ताकि वो उसके मेडिकल टेस्ट कर सके। फिर वो औरत मिलो को पूछती है कि क्या उसे कोई बचाने के लिए आ रहा है। मिलो बोलता है कि उसने सिग्नल भेजे हैं, पर कोई जवाब नहीं आया। उस औरत को फिर से अपना पास्ट याद आता है, पर इस बार उसे रियलाइज होता है कि उसे ये नहीं पता कि वो खुद कौन है। उसकी याददाश्त चली गई थी और उसे अपना नाम तक याद नहीं था। वो मिलो को पूछती है कि उसका नाम क्या है। मिलो बताता है कि वो पेशेंट ओमिक्रोन 267 है। इसके बाद वो उसे फोटो मांगती है ताकि वो खुद की शक्ल देख सके। मिलो उसे उसकी रिफ्लेक्शन दिखाता है। उस औरत को अपने पास्ट की फिर से याद आती है और वो अपना बचपन देखती है और उसे अपनी यादों में अपना पति भी दिखता है। फिर अचानक मिलो बोलता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल अब 33% तक पहुंच गया है। मिलो उससे बोलता है कि उसे कम ऑक्सीजन यूज करना होगा। ये सुनकर वो औरत बहुत डर जाती है और उसे अचानक याद आता है कि एक लैब में चूहों पर टेस्ट किया जा रहा था। वो औरत मिलो से मेडिकल रिपोर्ट्स मांगती है, जो उसे प्रोसेस करना चालू करता है। गुस्से में वो मिलो को ऑर्डर देती है कि उसे पॉट से बाहर निकाल दिया जाए। मिलो ये प्रोसेस भी चालू करता है, पर एक कोड मांगता है जो उस औरत के पास नहीं होता। फिर वो औरत डिसाइड करती है कि वो बाहर की दुनिया में फोन लगाकर किसी से कोड मांगेगी, पर मिलो बोलता है कि ये फीचर अवेलेबल नहीं है। उस औरत को एक आइडिया आता है। वो औरत मिलो को बताती है कि वो सेंट्रल डेटा लाइन का यूज करे, जिससे वो उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स बाहर की दुनिया में भेज सकता है। वो बोलती है कि इस बार वो मेडिकल रिकॉर्ड्स की जगह ऑडियो फाइल भेज दे ताकि बाहर से कोई उसकी मदद करने आए। इस बार मिलो बाहर की दुनिया के साथ कनेक्शन बनाने में कामयाब होता है। वो औरत उसे पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है। कोई पुलिस ऑफिसर फोन उठाता है और वो औरत उससे बात करती है कि वो किसी पॉड में लॉक हो चुकी है। ऑफिसर उससे पूछता है कि वो किस हॉस्पिटल में है, पर वो औरत बोलती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो ऑफिसर पूछता है कि लास्ट चीज उसे क्या याद है। वो बोलती है कि उसे याद है कि वो किसी इमरजेंसी रूम में थी। वो औरत मिलो को बोलती है कि उसकी लोकेशन ट्रैक करे, पर मिलो वो नहीं कर पाता। ऑफिसर उससे बोलता है कि वो पॉड का ट्रांसमीटर ढूंढने की कोशिश करेगा ताकि पुलिस उसे बचा सके, पर इस सब में टाइम लगेगा और उस औरत को वेट करना होगा। ऑफिसर उससे बोलता है कि वो पॉड के अंदर की कोई डिटेल ढूंढे। वो औरत ध्यान से पॉड को देखती है और उसे एक प्लेट पर मैन्युफैक्चरर का नाम पता चलता है, जो क्रायोस्लाइड होता है। वो पुलिस ऑफिसर को मैन्युफैक्चरर का सीरियल नंबर देती है, पर ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जिसके बाद वो अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल ट्रांसफर करता है। कोई कॉल नहीं उठाता और उस औरत का कनेक्शन टूट जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो मिलो को बोलती है कि उसका डीएनए ढूंढे। मिलो उसके डीएनए को सर्च करता है और स्क्रीन पर एक औरत का फोटो दिखाता है। वो पॉड वाली औरत का ही फोटो था और उसका नाम एलिजाबेथ हैंसन था। इसके बाद एलिजाबेथ को सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ उसे प्यार से लीज बुलाती थी। एलिजाबेथ को अचानक बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, पर कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद एलिजाबेथ को कैप्टन मोरे का कॉल आता है, जो आईटी डिपार्टमेंट से होता है। वो कैप्टन से पूछती है कि क्या उन्हें उसका पता चल गया है, पर कैप्टन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और पूछता है कि उसकी ऑक्सीजन लेवल क्या है। एलिजाबेथ बताती है कि 31%, इसका मतलब उसका ऑक्सीजन 75 मिनट्स में खत्म होगा अगर वो धीमे सांस ले, और अगर वो धीमे सांस नहीं लेगी तो 43 मिनट्स में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। कैप्टन एलिजाबेथ से बोलता है कि वो याद करे कि वो वहाँ कैसे पहुंची ताकि वो लोग उसे ढूंढ सके, पर एलिजाबेथ को कुछ याद नहीं आ रहा था। कैप्टन बताता है कि अभी तक वो लोग उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए हैं। कैप्टन उसे बताता है कि इस मैन्युफैक्चरर ने अपने सब पॉड्स 3 साल पहले खत्म कर दिए थे। मिलो एलिजाबेथ को मेडिकल रिपोर्ट्स देता है। वो बताता है कि वो बीमार नहीं है और वो 82 साल तक जिएगी। एलिजाबेथ ये सुनकर रोने लगती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो बीमार नहीं है तो वो पॉड में क्यों और कैसे पहुंची। कैप्टन एलिजाबेथ को शांत करने की कोशिश करता है। वो उससे बोलता है कि वो
रोए ना, क्योंकि रोने से उसका ऑक्सीजन ज्यादा यूज होगा और वो लोग उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एलिजाबेथ कैप्टन को बोलती है कि उन्हें मैन्युफैक्चरर को ढूंढना होगा और उस पॉड को खोलने का कोड मांगना होगा। कैप्टन बोलता है कि उसे नहीं पता कि इस समय कितना टाइम लगेगा और फोन इसी के साथ कट हो जाता है। एलिजाबेथ का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है और पॉड उसे अब नींद की दवाई देने वाला था। एक रोबोटिक आर्म उसके पास इंजेक्शन लेकर आता है, पर एलिजाबेथ उससे लड़ती है और इंजेक्शन नहीं लेती। इसके बाद अलार्म बजने लगता है जो बताता है कि लीस का ऑक्सीजन अब 23% है, मतलब कि 17 मिनट्स में वो बेहोश हो जाएगी। एलिजाबेथ को पास्ट के सपने आते हैं, उसे अपना हस्बैंड दिखता है जो पॉड का डिजाइन बना रहा था। इसके बाद मिलो बोलता है कि अब ऑक्सीजन 22% पर है। एलिजाबेथ मिलो को बोलती है कि वो उसके नाम से रिलेटेड सब कुछ ढूंढ ले। मिलो को एकेडमिक आर्टिकल्स और प्रेस आर्टिकल्स मिलते हैं जिससे पता चलता है कि वो एक नोबेल प्राइज विनर है और एक क्रायोजेनिक डॉक्टर भी। लीस को इसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट्स याद आते हैं और उसे याद आता है कि वो पॉड में खुद आई थी। इसके बाद वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखती है जिसमें उसका पति लियो होता है। लीस मिलो को बोलती है कि लियो का नंबर ढूंढे। उसे दो नंबर मिलते हैं, पहले वाले पर कॉल नहीं होता और दूसरे नंबर पर कोई औरत फोन उठाती है। लीस उससे बोलती है कि उसे लियो से बात करनी है, पर वो औरत फोन काट देती है। मिलो फिर से फोन करता है और इस बार वो औरत गुस्से में बोलती है कि उसे कभी फोन ना करे। लीस का ऑक्सीजन अब 21% तक गिर गया था। उसे हैलुसिनेशंस होने लगे थे और उसे फिर से लैब एक्सपेरिमेंट्स के चूहे याद आ रहे थे। मिलो फिर से नींद की दवाई ऑफर करता है, इस बार लीस हाँ बोलती है ताकि वो रोबोटिक आर्म के इंजेक्शन की नीडल को तोड़कर पॉट को खोल सके। पर जैसे ही वो पॉट तोड़ने की कोशिश करती है उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। लीस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे, उसकी उम्मीद बहुत कम हो गई थी। इसके बाद कैप्टन फिर से कॉल करता है और लीस को बोलता है कि उन्हें जल्द ही कोड मिल जाएगा। ये सुनकर लीस को थोड़ी उम्मीद मिलती है, पर उसी वक्त उसका ऑक्सीजन लेवल 3% और गिर जाता है जिसके कारण वो परेशान हो जाती है। कैप्टन लीस से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। कैप्टन बोलता है कि अकेले रहने के कारण उसकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ा है जिसके कारण उसे हेलुसिनेशंस हो रही थी। वो उससे बोलता है कि वो असली चीजों पर फोकस करे, जैसे उसकी बॉडी जो एक रियल इंसान की है। कुछ देर बाद लीस खुद को नीडल से चोट लगा देती है ताकि उसका दिमाग पेन पर फोकस करे। अचानक उसे याद आता है कि लियो का एक मेडिकल टेस्ट पड़ा होता है। मिलो उसकी चोट पर दवाई लगाता है ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो। लीस कैप्टन को पूछती है कि वो कितने दिन से मिसिंग है। कैप्टन बोलता है कि कुछ ही दिन से, पर लीस की किसी ने मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। तभी कैप्टन को कोई बुलाता है। लीस को भी दूसरे इंसान की धीमी आवाज सुनाई देती है, पर कैप्टन लीस को नहीं बताता कि दूसरा इंसान कौन है। लीस कैप्टन को बताती है कि वो लोग उसके पति को ढूंढे, पर कैप्टन बोलता है कि उसकी कभी शादी ही नहीं हुई। ये सुनकर लीस हैरान हो जाती है और मिलो को सोशल मीडिया फिर से सर्च करने को बोलती है और वहाँ इस बार लियो की कोई फोटो नहीं थी। लीस कैप्टन को बताती है कि उसने एक औरत से बात की थी जो लियो को जानती थी, पर कुछ ही सेकंड्स में उसे लगता है कि उसने सपना देखा होगा। कैप्टन बोलता है लियो नाम का कोई इंसान ही नहीं है। कैप्टन उसे बताता है कि वो स्टॉकहोम में पैदा हुई थी, उसकी माँ उसे अपने साथ फ्रांस ले गई जब वो 6 साल की थी। पर लीस कैप्टन की कोई बात नहीं मानती और बोलती है कि उसने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है जहाँ वो लियो से मिली थी। अचानक ऑक्सीजन फिर से कम हो जाता है और लीस बहुत परेशान होती है। वो कैप्टन से कोड मांगती है, पर कैप्टन उसे बोलता है कि वो हेलुसिनेट कर रही थी। लीस को कैप्टन पर शक होने लगता है, उसे लगता है कि इस सब के पीछे कैप्टन का ही हाथ है। वो मिलो को बोलती है कि वो फोन काट दे, पर इसके बाद अचानक लीस को याद आता है कि लियो बीमार था, उसे एक दिन अचानक से हॉस्पिटल लाना पड़ा था। तभी अचानक एक कॉल आता है, पर लीस मिलो को बोलती है कि कॉल काट दे और कैप्टन की पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग्स प्ले करे और उसके आखिरी 30 सेकंड्स की आवाज बढ़ा दे ताकि लीस को कैप्टन के पास बैठे हुए उस दूसरे इंसान की बात सुनाई दे। कैप्टन के पास बैठा दूसरा इंसान बोल रहा था कि लीस को आवाजें और इंसान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उसे बहुत स्ट्रेस है। कुछ ही देर में एक और कॉल आता है, इस बार लीस कॉल ले लेती है। इस बार ये उस औरत का कॉल था जिसने लीस से पहले बात की थी जब वो अपने पति लियो के बारे में जानना चाहती थी। वो औरत काफी बूढ़ी होती है और वो लीस को बताती है कि उसे पता है कि लीस एक क्रायोजेनिक पॉड में है और कुछ खराबी के कारण वो जाग गई है। लीस बार बार उससे बोलती है कि लियो को फोन दे दे, पर वो औरत बोलती है कि लियो मर गया है। ये सुनकर लीस फोन काट देती है। लीस का ऑक्सीजन लेवल अब 14% तक गिर गया था। वो औरत फिर से लीस को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो उसकी मदद कर सकती है क्योंकि उसके पास पॉड का कोड है, पर वो लीस को बोलती है कि वो कोड ना यूज करे। लीस उससे कोड मांगती है और मिलो को बोलती है कि पॉड को खोल दे। वो बूढ़ी औरत लीस से भीख मांगती है कि वो पॉड को ना खोले वरना वो मर जाएगी, और वो बोलती है कि वो ये बात साबित कर सकती है कि अगर लीस ने पॉड को खोला तो वो मर जाएगी। ये सुनकर लीस रुक जाती है। वो औरत लीस से बोलती है कि सिस्टम प्रेफरेंसेस में वो सेंट्रीफ्यूज कंट्रोल को ढूंढे और वो उसकी सेटिंग्स को जीरो कर दे। अचानक से लीस फ्लोट करने लगती है। पॉड की ग्रेविटी ऑफ हो गई थी जिसकी वजह से ये हो रहा था।
और वो औरत लीस को बताती है कि वो अर्थ पर नहीं है। मिलो भी कंफर्म करता है कि लीस अर्थ से बहुत दूर है। लीस सेंट्रीफ्यूज फोर्स फिर से नॉर्मल पर लाती है ताकि ग्रेविटी वापस आ जाए। इस बार वो औरत लीस को बताती है कि उसे हाइपर स्लीप में डाला गया था क्योंकि वो एक मिशन पर है। मिशन ये है कि उसे एक प्लैनेट पर जाना है जो अर्थ से 14 लाइट ईयर्स दूर है, जो कि 34 ईयर्स के बराबर है। उस प्लैनेट पर जाकर इंसानों की कॉलोनी बनानी है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि इंसान अगली दो पीढ़ियों के बाद धरती से खत्म हो जाएंगे। ये बात पब्लिक को नहीं पता थी, इसलिए कैप्टन ने लीस से ये बात छुपाई क्योंकि उसे शक था कि लीस को बातें पूरी तरह से याद नहीं है, और अगर वो लीस को ये बात बता दे तो वो किसी और ऑफिसर को ये बात बता देगी। इसके बाद लीस को याद आ जाता है कि उसका हस्बैंड लियो हॉस्पिटल में मर गया था क्योंकि उसे एक वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। यही वायरस सभी इंसानों को खत्म कर सकता था, इसलिए लीस को नए प्लैनेट को ढूंढने के लिए भेजा गया था। वो औरत लीस को बताती है कि वो पिछले 12 सालों से पॉड में सोई थी। यहाँ अब लीस का ऑक्सीजन खत्म होने वाला था, इसलिए वो औरत लीस से बोलती है कि उसे मदद करने दे। वो औरत ये भी बोलती है कि वो पॉड उसी ने डिजाइन किए थे। वो औरत बोलती है कि पॉड में खराबी इसीलिए आई क्योंकि एक प्रोसेसर खराब हुआ था, और अगर वो पॉड के दूसरे प्रोसेसर को चालू कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लीस मिलो को बोलती है कि वो खराब प्रोसेसर का सारा डेटा नए प्रोसेसर में डाल दे, पर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तभी उस औरत को कुछ ऑफिसर्स बुलाते हैं। वो लीस को बोलती है कि उसे जाना होगा। जाते जाते वो औरत लीस से बोलती है कि वो किसी भी तरह खुद को हाइपर स्लीप में डाल दे इससे पहले कि ऑक्सीजन 2% से नीचे गिर जाए। कॉल कटने से पहले वो लीस को बताती है कि वो लियो को ढूंढे क्योंकि उससे उसकी मेमोरी वापस मिल सकती है। ये सुनकर लीस को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि लियो तो मर चुका था। ऑक्सीजन लेवल अब 11% तक पहुंच जाती है। लीस खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देती है ताकि उसे कुछ याद आ जाए और वो पॉड का प्रोसेसर चेंज कर सके। उसे याद आता है लियो हॉस्पिटल बेड पर था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, और मरते वक्त लियो ने लीस को बोला था कि वो दोबारा मिलेंगे। इसके बाद लीस मिलो को बोलती है कि वो उसकी माँ को फोन करे। वो अपनी माँ से बात करती है जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद ऑक्सीजन लेवल 6% तक गिर जाती है। लीस मिलो को पूछती है कि उसके मरने के कितने तरीके हैं। मिलो उसे जवाब देता है कि वो किस किस तरीके से मर सकती है। ये सब सुनकर लीस डर जाती है। वो मिलो को बोलती है कि वो पॉट खोल दे ताकि वो जल्दी मर जाए। मिलो प्रोसेसर शुरू करता है, पर लीस को अचानक कुछ याद आता है। वो मिलो को रोक देती है और मिलो को पूछती है कि उसके साथ कितने ओमिक्रॉन्स यूनिट्स हैं। मिलो बोलता है कि 10,000 यूनिट्स और हैं। लीस मिलो को बोलती है कि वो उसे बाकी के यूनिट्स दिखाए। मिलो उस पॉट के बाहर का नजारा दिखाता है। लीस देखकर डर जाती है क्योंकि उसके पॉट के बाहर किसी की लाश थी। एक बड़े से शिप में इन 10,000 यूनिट्स को नए प्लैनेट्स पर ले जाया जा रहा था, और शिप की टक्कर एक एस्ट्रॉइड से हुई थी जिसके कारण काफी पॉड्स शिप से अलग हो गए थे और कुछ पॉड्स खराब हुए थे। लीस मिलो से पूछती है कि कितने पॉड्स ठीक है। मिलो बताता है 9,000 से ऊपर। फिर लीस पूछती है कि कितने पॉड्स जाग गए हैं। मिलो बोलता है कि बस वही जागी है। इसके बाद लीस मिलो को लियो के बारे में पूछती है ताकि उसे पता चले कि लियो शिप पर है या नहीं। लियो पॉड नंबर 42 में होता है। मिलो लीस को लियो की शक्ल दिखाता है। उसके पॉड में सब ठीक होता है, पर लीस एक चीज देखकर हैरान होती है। लियो के चेहरे पर निशान नहीं था। ये देखकर लीस को कुछ समझ आता है जिससे वो हैरान होती है। वो मिलो को बोलती है कि वो उसका नाम फिर से सर्च करे। जब वो सर्च करता है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत का वीडियो आता है जो बोलती है कि उसने मेमोरी ट्रांसफर करने का तरीका ढूंढ लिया है, और वो चूहों पे भी काम करता है जिसके लीस को सपने आ रहे थे। ये देखकर लीस को समझ आता है कि वो बूढ़ी औरत असली लीस है। लीस मिलो से अपनी उम्र पूछती है और मिलो बताता है कि वो 12 साल की है। लीस को समझ आता है कि वो उस बूढ़ी औरत जो कि असली लीस है उसकी क्लोन है, और उसे इसलिए बनाया गया था ताकि वो दूसरे प्लैनेट पर जाए। और असल में क्लोन लीस पॉट से कभी बाहर नहीं आई थी। उसके अंदर असली लीस की मेमोरी थी जिसके कारण उसे सपने आते थे। यह ऑक्सीजन लेवल अब 4 तक गिर जाती है। क्लोन लियो के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो उससे बोलती है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारी हो, जबकि वो असल में कभी मिले ही नहीं। लीस का ऑक्सीजन लेवल 3% तक पहुंच गया था और वो डिसाइड करती है कि वो हार नहीं मानेगी। वो मिलो को बोलती है कि प्रोसेसर चेंज कर दे, पर फिर से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। लीस का ऑक्सीजन 1% तक पहुंच गया था जिसके कारण पॉट के सिस्टम से कैलकुलेट किया था कि लीस के जिंदा रहने के चांसेस लगभग 0 थे, और इस वजह से सिस्टम लीस को ड्रग देके मारने वाला था। जब ये बात मिलो लीस को बताता है, वो उससे पूछती है कि ड्रग उसे कैसे दिया जाएगा। मिलो बताता है कि उसकी पीठ में जो ट्यूब्स लगे हैं उनसे ड्रग सीड्स उसकी वेन में जाएंगे जिससे वो मर जाएगी। लीस वो ट्यूब्स निकाल देती है। लीस का प्रोसेसर चेंज नहीं हो रहा था और उसे पता था कि वो मरने वाली है, इसलिए वो मिलो को बोलती है कि उसे हाइपर स्लीप में डाल दे। पर उसी समय लीस को याद आता है कि जो पॉट खराब हुए थे उसमें ऑक्सीजन बचा हुआ होगा। वो मिलो को बोलती है कि ऑक्सीजन डाइवर्ट कर दे, और ये प्लान कामयाब होता है। लीस की आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं क्योंकि वो
बच जाती है। इसके बाद मिलो उसे हाइपर स्लीप में डाल देता है और वो खुशी खुशी सो जाती है। मूवी के एंड पर दिखाया जाता है कि लीज और लियो नए प्लैनेट में अपना जीवन खुशी खुशी जी रहे थे और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। इस मूवी से आपने क्रायोजेनिक स्लीप के बारे में सुना। क्रायोजेनिक स्लीप में इंसान के शरीर को एक गहरी नींद में डाल देते हैं और टेम्परेचर बहुत ही कम करते हैं। इसके कारण इंसान हाइबरनेशन में रहता है और काफी टाइम तक जिंदा रहता है। क्रायोजेनिक स्लीप अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पर इंसान के टिश्यूज खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात जो आपने सीखी वो मेमोरी ट्रांसफर के बारे में थी, किसी इंसान की याददाश्त को किसी और के ब्रेन में ट्रांसफर करना। आपको क्या लगता है ये कभी पॉसिबल होगा? होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।